नमस्कार दोस्तों, आज 1 तारीख है, 2021 की आज से शुरुआत हो गई है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, आपके आपके पूरे परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका ये साल मंगलमय बीतेगा। इस बीच CBSE का डेट अनाउंस हो गया है कि वो मई में एग्जाम होगा, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम आपका फरवरी में ही अब तक संभावित है, जब तक आगे डेट बढ़ नहीं जाता। तो उम्मीद है कि अब तक आप फरवरी मान के ही चले कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और फरवरी में यदि एग्ज़ाम होता है तो जो तिथि घोषित की गई थी, 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। तो यदि 1 फरवरी से ही आपका एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से आपके पास मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। अब 1 महीना में कैसे तैयारी की जाए, आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो 1 महीना में केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर हैं, तो प्रयास ये करें कि एक दिन में आप एक चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लें। एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर लें। आपके पास जो भी नोट्स है, आप किताब पढ़ने का समय नहीं है, जो भी नोट्स आपके पास उस चैप्टर से संबंधित या पूरे चैप्टर से संबंधित, प्रत्येक दिन एक चैप्टर पर पहले पूरा पढ़ लें। चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन बनाने का मतलब हुआ कि उस चैप्टर से पिछले 10-12 वर्षों में बिहार बोर्ड द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न को क्वेश्चन बैंक के माध्यम से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले सब्जेक्टिव को यदि क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो पहले थ्योरी पढ़ लें नोट से। थ्योरी के अलावा आप थ्योरी के बाद आप अगला स्टेप क्या करें कि उस चैप्टर से लगभग 2009 में पहला एग्जाम हुआ था, 2009 से लेकर 2020 तक कुल 12-13 साल हुए। इन 12-13 वर्षों में बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस चैप्टर से, उस सारे प्रश्नों को कर लें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी कर लें। और जब सब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है उस चैप्टर का, तो उस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें। यह भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। और ऐसा करेंगे तो आपका 16 दिन में आपका पूरा केमिस्ट्री का रिविजन हो जाएगा। ऐसा ही आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो 16 दिन के जगह पर 20 दिन मान के लिए, 20 दिन आपका लग सकता है, तो फिर भी आपका 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से, जैसा मैंने पहले बताया था कि मंडे से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला, जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था उसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। मतलब 20-25 जनवरी होते होते आपका पूरे क्वेश्चन बैंक का रिवाइज हो जाएगा। जहाँ तक हमसे हो सकता है पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपका पूरा क्वेश्चन बैंक का रिवाइज हो जाए। आपको करना सिर्फ यह है कि आप अभी से दिन रात एक करके 100% डिवोटेड हो जाए कि एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे आएगा। क्योंकि इंटर का जो एग्जाम होता है, इसके मार्क्स का आपको पूरे लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया का यूज आप ना करें, या तो नहीं करें या बहुत कम करें, सीमित कर दें इस बीच, और अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। एग्जाम के बाद फिर आप, आपकी जो इच्छा होगी उस मुताबिक आप काम कर सकते हैं। फिर एग्जाम आपका 12th का कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे 12th के बाद क्या किया जाए उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। और आप पूरे मनोयोग से, पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। अब तक जो पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ से अब रफ्तार तेज होना चाहिए। दूसरी बात ये कि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है, खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप नोट से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को बार बार लिखने का प्रयास करें। यदि क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में लिखने में आपको परेशानी होगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए एक क्वेश्चन को बार बार लिखने का कोशिश करें। खास करके रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन जब तक आप 5-10 बार 20 बार नहीं लिखेंगे, तब तक एग्जाम में लिखना दिक्कत हो जाएगा। यदि बार बार लिखने का कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा, और उस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाता है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में भी। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे।